हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का एक टॉपिक कवर। सो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, बट कैपेसिटर आर क्लासिफाइड इनटू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज, पोलर कैपेसिटर एंड नॉन पोलर। सी जो कैपेसिटर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कैपेसिटर आर समथिंग विच आर चार्ज्ड बाय द वोल्टेज एंड दे आर डिस्चार्ज फॉर यूजिंग एंड ओके। तो यहाँ पर चार्ज कैसे होते हैं और डिस्चार्ज कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सी यहाँ पर कैपेसिटर इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट पैसिव कॉम्पोनेंट कॉमनली ऑब्जर्व इन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड मेनी टाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज अ कंडेंसर टू। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी, सपोज करो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है एंड देन उसको डिलीवर करने के लिए, मतलब एनर्जी हम लोग ने लिया है उसको हम लोगों को यूज़ करने के लिए वो डिलीवर हो जाती है बाय डिस्चार्जिंग। मतलब जैसे मैं फ़ोन है उसको मैं चार्ज करती हूँ, उसको मैं डिस्चार्ज मतलब निकाल देती हूँ और उसका चार्ज मैं डिलीवर करती हूँ फ़ोन को वॉच करके। ठीक है, तो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज चार्जिंग एंड देन डिस्चार्जिंग। दिस कॉम्पोनेंट हैज़ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। जैसे हमारे फ़ोन में चार्जिंग की बैटरी होती है 100 मैक्सिमम एंड ऑफ कोर्स मिनिमम तो ज़्यादा जीरो होती है। हैंस इट इज़ नेम एज कैपेसिटर। दे आर अवेलेबल इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब हम ही वही पढ़ेंगे एंड देयर कैपेसिटी इज मेजर्ड इन फैरेड्स एंड दे आर अवेलेबल इन टिपिकल रेंज ऑफ पिको फैरेड्स टू माइक्रो फैरेड। इसका आपको फैरेड ये वाला वर्ड याद रखना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू हियर। आई होप कि कैपेसिटर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर एंड द वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर एंड पेपर कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो पेपर एंड फिक्स कैपेसिटर जो होते हैं वो यहाँ पर जो हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं उसको दो टाइप हैं, जो है एक पोलराइज्ड एंड एक होता है नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, तो हम जो बेसिकली पोलराइज्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट नॉन पोलराइज्ड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ना क्या होता है कि अगर हम पोलराइज्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को बहुत सिस्टमैटिक वे में चलना होता है। इफ़ आई विल कनेक्ट द पॉजिटिव विद द नेगेटिव चार्ज इन द कैपेसिटर विल गेट डैमेज। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नॉन पोलराइज यूज़ करते हैं क्योंकि नॉन पोलराइज में क्या होता है कि नॉन पोलराइज को अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज कैसा भी करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, तो उसका कोई भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो फिक्स कैपेसिटर आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज एंड पोलर एंड नॉन पोलर। तो यहाँ पर हम लोग इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेपर, माइका, पॉलिस्टर, सिरामिक एंड एल्यूमिनियम कैपेसिटर। इन दिस पेपर कैपेसिटर, माइका, पॉलिस्टर एंड सिरामिक आर नॉन पोलराइज एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम वाला, ये जो होता है वो पोलराइज होता है। जो ज़्यादातर जो हमारा नॉन पोलराइज होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम ही होता है ज़्यादातर के लिए। एंड पेपर कैपेसिटर एंड माइका कैपेसिटर आर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम, बट द मटेरियल यूज लाइक पेपर इज एक्टिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड हियर माइका इज एक्टिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको पहले हम लोग रीड कर देते हैं फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फिक्स्ड नॉन पोलराइज कैपेसिटर इज सेम, टू कंडक्टिंग सरफेस आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है वो पेपर ही है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर पेपर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। पेपर कैपेसिटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग टू थिन फॉइल्स, मेटल फॉइल्स। फॉइल इज अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ मेटल, यू ऑल गाइज नो कि क्या होता है फॉइल, राइट, एंड सेपरेटेड बाय अ पेपर रोल एज शोन इन दिस फिगर एंड दिस टू। एंड देन पेपर यूज फॉर दिस पर्पज इज क्राफ्ट पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद वैक्स और रेजिन। मैं आपको पूरा समझाऊंगी, डोंट टेक टेंशन। वेयर इम्प्रिग्नेशन इज अ प्रोसेस इन विच पेपर इज सोक्ड विद द डाइलेक्ट्रिक वैक्स और
ऑयल। यहाँ पर बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल मैंने आपको बता दिया कि नॉन पोलार का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एंड टू कंडक्टिंग सर्फेसिस। यहाँ पर देख सकते हो आप सब लोग, यह इज़ आप पेपर है, यहाँ पर जो बीच में लगा हुआ है ये हमारा पेपर है और यहाँ पर ये जो दोनों जगह पर है ये हमारे फॉइल पेपर्स हैं। फॉइल है, ये फॉइल है, मेटल फॉइल है और यहाँ पर जो इस तरफ है ये जो है ये हमारा क्या है, यस एग्जैक्टली ये हमारा पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई सिंपल पेपर यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक क्राफ्ट पेपर। व्हाट डू यू मीन, मतलब हम लोग कैसा भी, सपोज़ करो मैं ये वाला पेपर उठाकर फॉइल के बीच में चिपका दूँ एंड देट इज़ नॉट अ पेपर कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई से भी पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकती, वी विल बी यूजिंग क्राफ्ट पेपर इन विच सपोज़ करो कि मैं इसको कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, कोई पेपर को मैं डिप कर रही हूँ ऑयल के अंदर, रेजिन के अंदर या वैक्स के अंदर, सो दैट कि मैं इसको ये वाला पेपर, एक स्पेशल पेपर होता है क्राफ्ट पेपर, ठीक है, और उसको ही मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए, पेपर कैपेसिटर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल है और दिस इज़ अ नॉन पोलार, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये नॉन पोलार है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई कि इट कैन बी कनेक्टेड इन आइदर वे इन द सर्किट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर पोलार की बात करेंगे तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए आपको ये वाला वर्ड याद रखना है, क्राफ्ट पेपर इज इम्प्रेगनेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें माइका कैपेसिटर की, यहाँ पर ये सी वाली बात भी आपको याद रखनी है। देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे इसका बना रही हूँ, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक क्राफ्ट इम्प्रेगनेंटेड पेपर है और इसके यहाँ पर और इधर, यहाँ पर इधर दोनों साइड में यहाँ पर फॉइल रहेगा और फिर मैं फॉइल को इस तरीके से रोल करूँगी और जब मैं रोल करूँगी तो वही जो सपोज़ करो बनेगा वो इसका पेपर कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टू वायर लीड्स, ये जो यहाँ पर वायर लीड्स लगाया है इधर हम लोगों ने, यहाँ पर एक मैंने टू वायर लीड्स लगाया है एज शोन, यहाँ पर टर्मिनल पर, इस रॉड के टर्मिनल पर मेटल प्लेट यूज आर इन द फॉर्म ऑफ फॉइल टू इंक्रीज द प्लेट एरिया, ठीक है। दिस कैपेसिटर आर अवेलेबल इन मोल्डेड टैबुलर टाइप, ठीक है। इसका जो मीडियम रेंज होता है, स्मॉल साइज होता है, नॉन पोलर होता है और 500 पिको फैरेड्स टू 1 फैरेड्स एंड टिपिकली वोल्टेज यहाँ पर इतना होता है, ठीक है। माइका कैपेसिटर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, माइका कैपेसिटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम ऐसे पेपर कैपेसिटर होता है, बट इसमें द डायरेक्टिव मटेरियल यूज इज़ माइका शीट होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, हियर इज़ फॉइल माइका एंड एट द सेम वे यहाँ पर पेपर का भी हुआ था, बट अब हम माइका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग इसको यूज़ करेंगे, पहले हम लोग फॉइल यूज़ करेंगे, फिर माइका को यूज़ करेंगे एंड देन हियर माइका कैपेसिटर आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप एंड टेंड। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक इसको मैं अगर मर्ज कर दूँगी तो यहाँ पर ये बनेगा और इसके टर्मिनल्स पर एक दो टिन के वायर लेड्स है एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज मोल्डेड विद अ बैकलाइट शीट एंड यहाँ पर इसका डिग्री सेल्सियस इतना होता है। सिरेमिक कैपेसिटर का जो आप लोग देख सकते हो डायग्राम, वो काफ़ी डिफरेंट है इन कंपेरिजन विद दिस टू डायग्राम्स, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर विच कॉल एज सिरामिक कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, ठीक है। इसकी काफ़ी सारे शेप्स है, डिस्क, टेबुलर, रेक्टेंगुलर एंड इट इज़ ऑफर्स अ नॉन पोलर कैपेसिटर। इसका देख सकते हो आप, हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन रीड कर देते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिरेमिक इज डिफरेंट दैन द पेपर कैपेसिटर एंड द माइका कैपेसिटर, इज कंस्ट्रक्टेड बाई डिपॉजिटिंग अ सिल्वर प्लेट ऑन ईच साइड ऑफ द थिन डिस्क ऑफ सिरामिक मटेरियल। मतलब सपोज करो यहाँ पर टू साइड में मेरा डिस्क है, किसका, सिरामिक का एंड हियर इज सपोज दिस इज माय सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिल्वर शीट, वेरी सिंपल सिल्वर प्लेट। यहाँ पर सपोज करो ये, तो हियर इज माय सिरामिक, टू सिरामिक एंड इन वच अ थिन, इन विच अ थिन सिल्वर प्लेट इज इंसर्टेड हियर एज यू सी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से होगा एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके, यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर टर्मिनल्स पर इसके टर्मिनल्स पर हम लोग देख सकते हैं दो
लिड हम लोगों ने अटैच किए हुए हैं एंड ये टिन के होते हैं। ओके, यहाँ पर इस प्लेट पे हम लोग ये करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सस्ते होते हैं, दे आर वेरी चीप सो दे आर यूज अबंडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू गाइस कैन सी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल प्राइजेस। ठीक है, एंड इनका भी इसका भी ये होता है 3 pico farads to 2 pico farads एंड इनकी जो रेंज होती है वो होती है 3 volt to 6000 volt। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि दिस ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू गाइस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।